नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिषी चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक राजयोग के बारे में, जो आपने कई बार सुना तो होगा लेकिन इसके गुणों को देखा नहीं होगा, या इसके असर को आप पहचान नहीं पाए होंगे, या फिर हो सकता है ये आपकी कुंडली में हो या नहीं हो। बाहुबली राजयोग क्या होता है, ये राजयोग कैसे बनता है, ये राजयोग और क्या इसका इफेक्ट होता है। देखिए, ये जो राजयोग है, ये अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आपके अंदर एक बाहुबली की तरह ही शक्ति होगी। यानी आपके अंदर किसी पर जो है एक शासन करने की, और आपके शासन करने की प्रवृत्ति होगी। आपका जो दिमाग होगा, आपके दिमाग में शेर की तरह ताकत होगी, और आपके शरीर में हाथी की तरह शक्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये जो राजयोग अगर आपकी कुंडली में है या फिर कुंडली में नहीं है, इस राजयोग के ग्रह आप पर असर कर रहे हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल बाहुबली की तरह ही होगा। और ये बिल्कुल सच भी है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दो ग्रह काम करते हैं, ये तीन ग्रह काम करते हैं एक्चुअल में, उसका जीवन बाहुबली की ही तरह हो जाता है। अब देखिए, इस राजयोग को आपने पहले भी कई बार सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आप इसकी गहराई को शायद नहीं समझ पाए। इसलिए ये जो मैंने बाहुबली यहाँ पे शब्द का यूज किया, वो बिल्कुल परफेक्ट है इस राजयोग को अपना असर दिखाने में और काम करने में। इस राजयोग की अगर असली नाम की बात की जाए तो उसका नाम है गजकेसरी राजयोग। यानी कि गज हाथी और केसरी मतलब शेर की शक्ति वाला राजयोग। तो जब गज और केसरी साथ में मिल जाएंगे, तो जब शेर और हाथी की शक्ति किसी व्यक्ति में आ जाएगी, तो फिर वो बाहुबली तो अपने आप बन जाएगा, यानी अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे बनता है ये राजयोग? ये बनता है गुरु और चंद्रमा के मिलने से। ये आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले गुरु और चंद्रमा की बात करते हैं। कुंडली के पहले चौथे, सातवें, दसवें, दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें घर में अगर चंद्रमा और गुरु साथ में बैठकर युति बना रहे हों, तो ये राजयोग आपकी कुंडली में है। अगर कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, दसवें घर में है तो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वो कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव में जब कोई भी राजयोग बनता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो ज्यादा पावर से काम करने लग जाता है। केंद्र में अगर नहीं बन रहा है, त्रिकोण भाव में बन रहा है, तो भी वो काम तो करेगा ही। इसके अलावा अगर युति नहीं बन रही है, दृष्टि संबंध है, यानी कि गुरु और चंद्रमा अगर एक दूसरे को सात्वी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि होती है सात्वी, गुरु की अलग अलग तीन दृष्टियां हैं। तो चंद्रमा की अगर सात्वी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो भी ये राजयोग काम करेगा और बहुत अच्छे पावर से काम करेगा, और ये बनाएगा आपके जीवन में बाहुबली राजयोग। गजकेसरी राजयोग इसका नाम है, पर इतनी शक्ति देता है व्यक्ति को कि उसका जीवन जो है बाहुबली की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गुरु और चंद्रमा के मिलने से। अब ये राजयोग एक और तरीके से व्यक्ति के जीवन में बनता है, लेकिन ध्यान नहीं दे आता है उस तरफ। देखिए, अगर ये राजयोग देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं चंद्रमा के साथ मिलन करके, तो फिर हमारे एक गुरु और हैं जन्म कुंडली में, ज्योतिष में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लोग उन्हें भूल जाते हैं, जबकि वो भी अपने आप में बहुत बड़े गुरु हैं, सभी तरह का ज्ञान उनमें है। दैत्य गुरु बृहस्पति जहाँ हमें भक्ति के मार्ग, भक्ति का ज्ञान देते हैं, आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, वहीं पर दैत्य गुरु हमें भौतिकता का ज्ञान देते हैं, हमें सांसारिक चीजों की तरफ ले जाते हैं, पर ज्ञान तो देते हैं वो भी। तो जब भी शुक्र और चंद्रमा का मिलन होगा आपकी जन्म कुंडली में,
यही जो भाव मैंने अभी गुरु और चंद्रमा के लिए बताए, इन्हीं भावों में पहले चौथे सातवें दसवें दूसरे पांचवें नौवे ग्यारहवें भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर बैठे हैं तो भी आपकी कुंडली में, या फिर दृष्टि डाल रहे हैं सातवीं दृष्टि, क्योंकि देखिए शुक्र देवता की भी एक ही दृष्टि होती है सातवीं, तो दोनों अगर एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भी ये गज केसरी राजयोग बनेगा, यानी कि बाहुबली राजयोग वहां पर भी बनेगा। तो सिर्फ गुरु चंद्रमा से नहीं, चंद्रमा शुक्र से भी ये राजयोग बनता है और काम करता है। आपकी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें देखिए गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। अब बाय नेचर, बाय बर्थ, अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बनकर नहीं आया है तो भी ये राजयोग आप बना सकते हैं। कैसे? उपाय करके। अगर आप अपने गुरु चंद्रमा और शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा कर, उन ग्रहों की स्थिति जानकर और फिर उपाय करके अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये राजयोग भले ही आपकी कुंडली में नहीं बना हो तो भी काम करने लग जाएगा। होगा क्या कि कोई भी राजयोग या दोष बनता तो ग्रहों से ही है, ग्रह होना जरूरी है। कालसर्प को दोष बनेगा तो राहु केतु से बनेगा, मांगलिक दोष या योग बनेगा तो मंगल से बनेगा, उसके बाद जो विष दोष बनेगा तो चंदी शनि और चंद्रमा से बनेगा। तो कोई भी राजयोग बन रहा है, जैसे लक्ष्मी नारायण राजयोग जब बनता है तो वो शुक्र से और बुध से की युति से बनता है, तो कोई भी राजयोग अगर बन रहा है, दोष बन रहा है, तो वो ग्रहों से ही बन रहा है। और अगर आप उन्हीं ग्रहों को स्ट्रांग बना लेते हैं तो राजयोग आपकी कुंडली में नहीं है फिर भी राजयोग जैसा असर वो ग्रह देने लग जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको आपकी कुंडली में बाहुबली जैसा राजयोग बना लेना है, गज केसरी वाला राजयोग बना लेना है, तो आपको शुक्र चंद्रमा और गुरु ग्रह को स्ट्रांग कर लेना है। अब डिपेंड करता है कैसे करें स्ट्रांग, तो उपाय करना है, उपाय करके बन जाएंगे। उपाय करने के पहले गलत उपाय नहीं हो जाए इसलिए अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए, किसी अच्छे ब्राह्मण पंडित एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए। हमसे भी करवा सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। पहले स्थिति जानिए, कोई भी उपाय करने से पहले, कि आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा और शुक्र किस स्थिति में है, योग कारक है कि मारक है, शुभ है या अशुभ है, उस अनुसार आपको उपाय करना है। योग कारक है तो आप रत्न पहनिए उन ग्रहों के और माला पहनिए उस ग्रह की और उपाय करिए। अगर मारक है तो दान करिए उस ग्रह से संबंधित चीजों का, तो उपाय करिए। और दोनों ही कंडीशन में, चाहे योग कारक हो चाहे मारक हो, बीज मंत्र का जाप कीजिए तो वो ग्रह आपको शुभ फल देने लग जाएगा और ये बाहुबली राजयोग आपकी कुंडली में काम करने लग जाएगा, गज केसरी राजयोग जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आसानी से आपको समझा दिया है। जन्म कुंडली अध्ययन करवाने के लिए आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि पवार, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिषी चैनल आरएसपी वर्ल्ड। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजिनल राशि रत्न और रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।